उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक का पूरा परिवार फरार है। परिवार के अलावा घर के नौकर भी गायब हैं, जिसकी वजह से अतीक के महंगे कुत्तों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। अब तक भूख और प्यास से दो कुत्तों की मौत हो चुकी है। आज कुत्तों की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर निगम के पशुधन विभाग के अफसर अतीक के घर पहुंचे और भूख और प्यास से तड़प रहे अतीक के कुत्तों को खाना दिया। अब नगर निगम इनको अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहा है। देखिए आए यहाँ पे, नगर निगम की टीम भी आई है, डॉक्टर्स की टीम भी आ रही है। जहाँ तक है दो डॉग्स की तो डेथ हो गई है, तीन बच्चे हैं जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इनको इनके हिसाब का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, इनके हिसाब का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी डॉक्टर्स की टीम आएगी, फिर अभी खाने का इंतजाम तो हम लोग कर रहे हैं, बट ट्रीटमेंट का भी देखना पड़ेगा इनके। उसके बाद फिर एक बार पूरा इन लोग की सिचुएशन, इन लोग की कंडीशन समझ के हम लोग आगे समझेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। बट जो भी है, खाने की तो प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। क्या ये भी आप बता सकते हैं कि ये किस नस्ल के कुत्ते हैं और क्या इनकी सवाल की कंडीशन होती है? जी, ये ग्रेट डेन है और ये आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी बड़े नस्ल के कुत्ते होते हैं ये, तो उसी हिसाब से इनका मेंटेनेंस भी बहुत हाई होता है, इनका डाइट भी उतना ज़्यादा होता है, इनकी खुराक बहुत ज़्यादा होती है और प्रॉपर मतलब नॉनवेज पे ही रहते हैं ये लोग। तो अभी तो जैसे लोग जो डाल दे रहे थे दूध ब्रेड वगैरह, उससे इन लोगों को कुछ नहीं हो रहा था। आप देखेंगे अभी भी पड़ा हुआ है, किसी ने खाया नहीं है उसको, और एक वो भी बहुत बड़ा रीज़न है कि इनकी हेल्थ एकदम से ख़राब हो रही है। वारदात के बाद से पुलिस चकिया इलाके में लगातार दबिश दे रही है, जिससे लोग काफी डरे हैं। यही कारण है कि भूखे कुत्ते रात भर भौंकते हैं, लेकिन डर की वजह से उनको कोई खाना पानी नहीं देता। लोगों को आशंका थी कि कुत्तों को खाना पानी देने से उनको अतीक के साथ न जोड़ दिया जाए। हालांकि आज जानवरों के लिए काम करने वाली कई संस्था अतीक के घर पहुंची थी और कुत्तों की देखभाल शुरू कर दी है।